तरल का घनत्व, बर्तन में तरल की मात्रा, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। तो एक बिंदु पर तरल पदार्थ के अंदर दाब जो है किस पर निर्भर करता है? बर्तन में तरल की मात्रा। अगर बर्तन में तरल की मात्रा यानी द्रव की मात्रा अधिक होगी तो उसमें दाब अधिक होगा बॉटम में, और अगर कम होगा तो उस स्थिति में कम होगा। क्वेश्चन नंबर 35, पानी की सतह से कितनी गहराई पर दाब वायुमंडलीय दाब के 3 गुना के बराबर होगा? दिया गया इसमें वायुमंडलीय दाब 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन है 20.4 मीटर, 5.6, 2.8 और 10.2 मीटर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक वायुमंडलीय दाब दिया गया है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एमकेएस में है, एसआई सिस्टम में है, इसलिए इस सेंटीमीटर को भी बदलेंगे मीटर में, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी हम 100 से भाग देंगे 2 बार तो 10 की घात 4 हो जाएगा। अब जो है ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो अब जो है जब इसको भाग देंगे तो ये घात होगी 10 की घात -4, 10 के घात -4, -4 जब ऊपर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात 4 और 1 5, तो 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 10^-4 है। तो मान लिया कि h गहराई पर दाब 3 वायुमंडलीय दाब P0 होगा, यानी ये माना गया इस फिगर में देखिए कि ऊपर जो दाब है वो P0 है, तो h गहराई पर जो दाब होगा यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा यानी वायुमंडलीय दाब होगा, और पानी के कारण जो h कॉलम है, h स्तंभ है, इसके कारण HDG होगा। तो इस तरह से यहां पर जो टोटल दाब होगा P0+HDG के बराबर होगा। तो अगर यहां पर प्रेशर P2 ले लें, दाब को P2 ले लिया जाए, तो P2 बराबर 3P0 यानी वायुमंडलीय दाब का 3 गुना। अब ये P2 जो है P0+HDG है, ये बराबर 3P0, तो HDG बराबर हो गया 3P0, इस P0 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2P0। अब H बराबर 2P0 अपान ये DG, तो अब ये यहां पर हम क्या करें, मान रख दें इसका, तो 2 और P का मान, P0 का मान हो गया 10^5, और ये D का मान हो गया, जल का घनत्व होता है 1×10^3, और G का मान 9.8 दिया गया है। तो इस तरह से इसमें से ऐसा करते हैं कि 10^3 नीचे है, 10^3 ऊपर भी ले लेते हैं, तो 2 पावर इसके साथ लेकर के इसको 200 बना देते हैं, तो ये 200×10^3 बटा 9.8×10^3। अब जो है ये 10^3 जो है ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये बचेगा 200×9.8। अब जब इसे भाग दे देंगे तो ये आएगा 20.4 मीटर। इसका मतलब आंसर होगा हमारा 20.4 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36, बांध की दीवारें शीर्ष की तुलना में यानी जो तल है पेदी अधिक मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि यह बांध के नीचे के रिसाव को रोकता है, बांध निर्माण की लागत कम हो जाती है, बांध के निर्माण में सामग्री कम लगे, पानी के कारण दाब तली पर अधिक होता है। तो आंसर है नंबर 4, पानी के कारण दाब तली पर अधिक होता है। तो बांध की दीवारों को यानी पेदे में मोटा बनाया जाता है, तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसकी वजह से दाब कम हो जाएगा। 3 वस्तुओं को एक ही द्रव में बीकर में अलग अलग डाला गया है, निम्न में से कौन सा वस्तुओं के सापेक्ष घनत्व के अवरोही क्रम में है? अवरोही, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। ये 3 फिगर हैं। पहले फिगर में दिया गया है ये जो पी है ब्लॉक, यह पी ब्लॉक जो है यह पानी के अंदर थोड़ा है, यह पानी के अंदर पूरी तरह से है, बॉटम में है, पेंदे में है, और यह सतह पर है। तो इसका मतलब है कि सबसे भारी कौन सा होगा? क्यू होगा, फिर इसके बाद पी होगा, और फिर आर होगा। अब ऑप्शन दिया गया है कि पी इज ग्रेटर देन क्यू इज ग्रेटर देन आर, Q इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन R, तो सबसे बड़ा Q है, फिर क्या आना चाहिए? P आना चाहिए, और फिर R। तो इस तरह से
इसमें देखेंगे कि ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक बेलनाकार बर्तन में द्रव भरा जाता है, बर्तन की दीवार पर द्रव द्वारा डाला गया दबाव निर्भर करता है किस किस बात पे, द्रव की गहराई पर, गुरुत्व पर, द्रव के घनत्व पर, या उपरोक्त सभी पर। तो जो सूत्र होता है P बराबर HDG होता है, H मतलब गहराई यहां पर हो गई, D मतलब घनत्व हो गया, और G मतलब गुरुत्व हो गया, यानी तीनों पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन हमारा होगा 4, उपरोक्त सभी पर। निम्नलिखित आकृति से सही अवलोकन क्या है, ये फिगर देखिए। इस फिगर में दिया गया है दो बीकर है या दो कंटेनर है या कह लीजिए कि टैंक है। तो ये एक टैंक में पानी की मात्रा ज्यादा है, लेकिन ए और बी दोनों में जो ऊंचाई है यह ऊंचाई बराबर है। तो अब ऑप्शन है कि टैंक ए के तल पर दाब बी के तल से अधिक, टैंक ए के तल पर दाब बी के तल से कम, दाब पात्र की आकृति पर निर्भर करता है, टैंक ए व बी के तल पर दाब समान होगा। तो इसमें आपने पढ़ा है कि अगर वाटर कॉलम की लेंथ बराबर है, हाइट बराबर है, तो दाब बराबर होगा, अर्थात दोनों में टैंक ए व बी के तल पर दाब समान होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित है, पास्कल के नियम पर अपकेंद्रित द्रवचालित लिफ्ट, विद्युत मोटर या उत्तोलक। तो इसमें है द्रवचालित लिफ्ट। एक बीकर में एक द्रव पदार्थ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ए द्रव में सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है, दीवारों पर दाब डाला जाता है, द्रव में हर जगह दाब मौजूद होता है। अब आपको बताना है ए बी सी में कौन सा सही है, केवल ए और बी, केवल बी और सी, ए बी और सी तीनों, या केवल ए। यहां से देखें, द्रव में सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है, क्या ये सही है, ये सही नहीं है। दीवारों पर दाब डाला जाता है, सही है। द्रव में हर जगह दाब मौजूद होता है, ये भी सही है। इसका मतलब बी और सी सही है, अर्थात सेकेंड ऑप्शन केवल बी और सी। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 पद हैं, बाईं ओर के पदों के अनुसार दाईं ओर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बल न्यूटन, वायुदाब। तो क्या होगा, बल नापा जाता है न्यूटन में, तो वायुदाब नापा जाएगा निर्द्रव दाब मापी से, थर्मामीटर से, पीजोमीटर या लैक्टोमीटर। ये होगा निर्द्रव दाब मापी। दाब का संबंध पास्कल से है, तो बल का संबंध जूल, अर्ग, न्यूटन या न्यूटन मीटर। तो बल का संबंध है न्यूटन, इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्षेत्रफल वर्ग मीटर, तो आयतन वर्ग मीटर, घन मीटर, किलोमीटर या मीटर। तो आयतन नापा जाता है घन मीटर में, तो सेकेंड ऑप्शन होगा घन मीटर। यदि W1 तथा W2 क्रमशः वस्तु के भार तथा उत्प्लावन बल हो, तो W1 इज लेस देन W2, तो वस्तु तैरेगी, यानी भार कम है और उत्प्लावन बल अधिक है तो वस्तु तैरेगी। तो अगर भार अधिक है तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी, सतह पर तैरेगी, डूबती हुई तैरेगी या हवा में तैरेगी, तो क्या होगा, डूब जाएगी। साइकिल पंप में वाल्व 2 होते हैं, तो जल पंप में वाल्व 1, 2, 3 या वाल्व नहीं होते, तो उसमें भी वाल्वों की संख्या 2 ही होती है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 20 न्यूटन या 2000 न्यूटन। तो घर्षण बल, जितना बल हम लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में सरफेस पर उतना ही बल लगता है, तो आंसर होगा 200 न्यूटन बल। बल का CGS मात्रक है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, हम जो मात्रक पढ़ते हैं वह SI सिस्टम में होता है, SI मात्रक होता है उसका, MKS मात्रक भी कहते हैं उसे। तो बल का जो CGS मात्रक होता है यह क्या है, जूल है, अर्ग है, डाइन है या पास्कल। तो CGS मात्रक होता है डाइन, इसका ऑप्शन होगा 3। क्वेश्चन नंबर 50, कथन है
विराम अवस्था में एक तरल पदार्थ में दबाव सभी बिंदुओं पर समान होगा अगर वे समान ऊंचाई पर हैं। निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो विराम अवस्था में तरल पदार्थ में दबाव सभी बिंदुओं पर समान होगा, ये नियम आपने पढ़ा है। क्या है नियम? क्या है? बर्नौली का सिद्धांत है, पास्कल का नियम है, बायल का नियम है, या आर्किमिडीज का सिद्धांत है? तो आपने पढ़ा है पास्कल का नियम। इस तरह से ये इससे संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय आयोग योग्यता परीक्षा 2023 हेतु क्लास 8 साइंस, जिसमें कि चैप्टर है 11 बल तथा दाब। इस चैप्टर से जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सिलेक्टेड 50 MCQ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें और यह निश्चित ही आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। इसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F equals to M into A, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल या प्रणोद बटा क्षेत्रफल, सूत्र हो गया P बराबर F बटा A। इसी तरह वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार न्यूटन में बटा क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, आपेक्षिक घनत्व वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। इसी तरह द्रव दाब बराबर द्रव स्तंभ की ऊंचाई गुणे द्रव का घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण, तो सूत्र के रूप में लिखते हैं P बराबर HDG। किसी वस्तु को पानी में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है और यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो अब ये कुछ प्रश्न है। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर, किलोग्राम, जूल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब का सूत्र होता है P बराबर F अपान A, फोर्स अपान एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल। बल का होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, या वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। तो सही आंसर होगा वस्तु जल में डूब जाएगी। प्रश्न संख्या 3, मात्रक यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं कार्य, गतिज ऊर्जा, दाब या इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा दाब, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह किसी पारे से भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें निकालना होगा कि इसका आयतन कितना होगा। ये ऑप्शंस हैं 13.6 किलोग्राम, 136 किलोग्राम, 13.60 किलोग्राम, 13600 किलोग्राम। तो इसका आंसर होगा 13600 किलोग्राम। कैसे होगा? बर्तन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, तो 1 घन मीटर। पारे का घनत्व होता है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 घन मीटर का द्रव्यमान होगा 13600 किलोग्राम। इस तरह से इसका ऑप्शन होगा 4। पास्कल का मात्रक है भार, पास्कल जो है मात्रक है भार का, दाब का, क्षेत्रफल का या घनत्व का। तो मात्रक होता है ये दाब का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपने पढ़ा है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है। किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रणोद, दाब, बल या इनमें से कोई नहीं।
दाब कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब होता है 1.013 गुणे 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1.013 गुणे 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1.31 गुणे 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1.31 गुणे 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सही आंसर है 1.013 गुणे 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। तो ये जो 1.013 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है यही जो है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। लेकिन यह पारे के कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो एक नया क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 76 मिलीमीटर पारे का दाब, 760 सेंटीमीटर पारे का दाब, 7.6 सेंटीमीटर पारे का दाब या 76 सेंटीमीटर पारे का दाब। तो ये जो सूत्र है पी बराबर एच डी जी, इस सूत्र से जब निकालते हैं तो ये पारे का 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वायु दाब का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, बैरोमीटर या आर्द्रता मापी। तो वायु दाब का मापन किया जाता है बैरोमीटर से, तो आंसर होगा बैरोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई बदलने पर वायुमंडलीय दाब का मान अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, बढ़ जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समुद्र तल से जब ऊंचाई बदलेगी तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि P बराबर एच डी जी होता है। एक निर्द्रव दाब मापी से रोहन ने किसी स्थान पर प्रातः 8 बजे और रात्रि 8 बजे वायु दाब लिया, दोनों समय का दाब होगा एक समान, घटेगा, बढ़ेगा या स्थानीय वायुमंडलीय परिस्थिति पर निर्भर। तो यह जो है निर्भर करेगा स्थानीय वायुमंडलीय परिस्थिति पर, अर्थात सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय वायुमंडलीय परिस्थिति पर। वायु दाब का उपयोग किया जाता है, कहां किया जाता है? जल पंप, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप, उपरोक्त सभी में। तो वायु दाब का उपयोग जल पंप, साइकिल पंप और फुटबॉल तीनों में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी में। वायु दाब का पास्कल के अतिरिक्त अन्य मात्रक है या है? टार, बार, वायुमंडल, उपरोक्त सभी। तो ये टार, बार और वायुमंडल सभी जो है वायु दाब के मात्रक हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। किसी पाइप प्रवाह में किसी बिंदु पर कम दाब का मापन किया जाता है किसकी सहायता से? टेंसियोमीटर, पीजोमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो ये कम दाब के लिए यूज करते हैं पीजोमीटर। तो आंसर होगा सेकेंड, पीजोमीटर। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? तो एक बार में 10^5, 10^4, 10^3 या 10^2, तो होते हैं 10^5 पास्कल। किसी द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, थर्मामीटर या बैरोमीटर। तो आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है हाइड्रोमीटर से। तो सही आंसर सेकेंड, हाइड्रोमीटर। बल का मात्रक है, क्या मात्रक है? न्यूटन, जूल, पास्कल या न्यूटन इंटू मीटर। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। हवा में ऊपर जाने वाला एक गुब्बारा किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी बैलून में जब हवा भर दी जाती है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, तो यह किस सिद्धांत पर है? पास्कल का नियम काम करता है या आर्किमिडीज सिद्धांत काम करता है, बर्नौली समीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो हवा में ऊपर जो बैलून जाता है यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? गैल्वानोमीटर, हाइड्रोमीटर, अमीटर या वोल्टमीटर। तो ये होता है हाइड्रोमीटर, जो कि आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। द्रव के अंदर रखे जाने पर निकाय द्वारा विस्थापित द्रव द्वारा लगाए गए ऊर्ध्वगामी बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्राभिमुख बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या उत्प्लावक बल। तो आपको पता है सही आंसर, उत्प्लावक बल। जब एक तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का आयतन होगा बर्फ के टुकड़े के आयतन के बराबर, बर्फ के टुकड़े के आयतन से अधिक, बर्फ के टुकड़े के आयतन से कम या अपरिवर्तित। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा, बर्फ के टुकड़े के आयतन के बराबर। जब बर्फ जो है
पिघलेगा तो उसका आयतन, यानी जो पानी का आयतन होगा वह बर्फ के टुकड़े के आयतन के बराबर होगा। एक वस्तु पानी में तैरती है जिसमें वस्तु के आयतन का एक तिहाई भाग नीचे है, एक तिहाई भाग पानी के नीचे है। वस्तु का घनत्व तो पानी के घनत्व का n गुना है, तो n का मान होगा, ये थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, 1/3, 1/6, 1/4 या 2/3, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से वस्तु का भार बराबर पानी द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल, यानी वस्तु का भार हो गया mg, m into g, और पानी द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल हो गया v2d2g, आयतन गुणे घनत्व गुणे गुरुत्व त्वरण। तो m को लिख सकते हैं v1 into d1, आयतन गुणे घनत्व, तो v1 d1 into g बराबर v2 d2 into g, g से g कट गया, और v2 जो है दिया गया है कि v1/3 है, तो अब जो है ये v1 से v1 भी कट गया, तो d1 बराबर d2/3, यानी d1/d2 बराबर 1/3, तो जो सही आंसर होगा ये होगा नंबर 1 विकल्प 1/3। वस्तुओं को द्रव में डुबोने पर उत्प्लावकता का अनुभव होता है, जो वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर या वस्तु पर नीचे की ओर, वस्तु पर ऊपर की ओर बल या वस्तु पर ऊपर की ओर दाब, तो उत्प्लावकता बल होता है ना, तो वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल होगा। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, सोचिए। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने के काम आता है, और यह जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। 26, यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबोकर छोड़ दिया जाए और वह वस्तु डूबने लगती है, तो वस्तु के डूबने के लिए कौन सी स्थिति सही है। वस्तु का भार W तथा उत्क्षेप बल F है, तो W इज ग्रेटर देन F, W बराबर F, W इज लेस देन F, या इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु डूबने लगती है, इसका मतलब वस्तु का भार अधिक होगा, अर्थात W इज ग्रेटर देन F, ये होगा ऑप्शन नंबर 1, W का मान F से अधिक होना चाहिए। एक गिलास पानी बर्फ के टुकड़े के साथ भरा है, बर्फ के टुकड़े का शीर्ष पानी की सतह के बाहर लगते हैं देखने में। पूरी बर्फ पिघलने पर क्या होगा, यानी गिलास भरी हुई है और गिलास के ऊपरी सतह पर पानी है, पानी के ऊपर जो है बर्फ का टुकड़ा रखा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है तो पानी के आयतन जो है गिलास में जो भरा हुआ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा या क्या होगा। तो गिलास भर जाएगी, जल स्तर समान रहेगा, जल स्तर घट जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल स्तर समान रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल स्तर समान रहेगा। उत्प्लावकता एक है, क्या है, ऊपर की ओर एक बल नीचे की ओर एक बल, या ऊपर की ओर दबाव नीचे की ओर दबाव, यह ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है। एक निकाय को बीकर में भरे पानी में डुबाया जाता है, यदि पूरे प्रणाली को स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही हो, या मतलब कि जो पूरी प्रणाली है यह स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, तो प्रणाली पर लागू ऊपरी बल, जो ऊपर की ओर लगने वाला बल है, वह कितना होगा, शून्य होगा, वायु में निकाय का वजन के बराबर होगा, या पानी में निकाय के वजन के बराबर होगा, या वायु में निकाय के वजन का आधा होगा। तो सही आंसर होगा शून्य, उस पर परिणामी बल जो है शून्य लगेगा। कोई निकाय किसी द्रव में तैरता है या डूबता है, यह किस बात पर निर्भर करता है, निकाय का द्रव्यमान, निकाय का द्रव्यमान और द्रव का घनत्व, निकाय और द्रव के घनत्व में अंतर, या न्यूटन इंटू मीटर। तो क्या होता है, यह निकाय और द्रव के घनत्व में अंतर पर निर्भर करता है। अगर वस्तु यानी निकाय का घनत्व अधिक है, द्रव का कम है, तो डूब जाएगी। निकाय का अगर घनत्व कम है तो तैरेगी, अगर दोनों का बराबर है तो ऊपरी सतह पर तैरेगी। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित है, हाइड्रोलिक ब्रेक कुलाम के नियम पर, आर्किमिडीज सिद्धांत पर, बर्नौली समीकरण या पास्कल नियम, तो यह पास्कल नियम पर आधारित है। पास्कल नियम संबंधित है किससे, द्रव में दाब, तार में तनाव, दो संपर्क रत सतहों के बीच बल, गैसों के अंतरणविक बल। तो सही आंसर है द्रव में दाब, पास्कल का नियम जो है द्रव में दाब का नियम है। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पारा स्तंभ के लिए पास्कल में संबंधित दबाव होगा, कितना होगा,
जी का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 4080 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 8400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 8004 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर देखते हैं तो P बराबर होता है एच डी जी, एच 3 सेंटीमीटर है, तो 3/100 गुड़े डी 13.6 गुड़े 10^3 और गुड़े जी का मान 10, गुड़ा करेंगे तो आ जाएगा 4080। तो आंसर कौन सा है 1, 4080 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 34, एक बिंदु पर तरल पदार्थ के अंदर दाब किस पर निर्भर करता है? बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, गहराई